तो क्या हम जान सकते हैं कि आपका क्या सब्जेक्ट है, किस चीज में आप पीएचडी कर रहे हैं? देखिए, पीएचडी तो मेरी उर्दू जबान से है, उर्दू जबान अदब से मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अगर आप मौजू की बात करें तो मेरा मौजू जो है वो माबाद जदीद शायरी जमालियात। अच्छा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि शायरी में या अदब में जो जमालियाती अकदार की वजाहतें होती रही हैं उर्दू जबान व अदब के बिल्कुल इब्तदाई मरहले से, तो जमाने की तब्दीली के साथ साथ हमारे मेयार तब्दील होते हैं। जैसे हमारे सोशल मेयारात तब्दील होते हैं, वैसे ही अदबी मेयारात भी हमारे तब्दील होते रहते हैं। तो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने के बाद हम लोग जिस अहद में जी रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न जो हमारा जमाना है, इस जमाने में जो हमारे अशआर हैं उनमें जमालियाती कदरों का मेयार क्या है, मेरा जो पीएचडी का काम है वो इसी एक नुक्ते पे मुर्तकीज है। जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत खुशी होती है हमें कि इतने काबिल तालीम याफ्ता लोग हमसे मिलते हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, तो इसीलिए हमने इस सवाल को पूछा। और हम ये जानना भी चाहेंगे कि आपने जैसे कहा कि शायरी जो है वो जज्बात या काफी करता है, और इंसान तो जज्बात का मैं कहूँगी मजमुआ ही है, आपके नजदीक मोहब्बत का क्या मायार होना चाहिए, या क्या आप क्या समझते हैं कि मोहब्बत क्या एक बार ही हो सकती है? क्योंकि देखें, अगर हम शायरी की बात करें तो हम मिजाजी मोहब्बत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि शायरी का महवर भी कभी कभार मिजाजी मोहब्बत ही हो सकता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मोहब्बत की बात है तो अरबी का एक बड़ा मशहूर शायर गुजरा है, अबू तैयब मुतनब्बी। अच्छा, उसका एक शेर, एक मिसरा मुझको याद आ रहा है कि फवमन उहिब्बो लआसयन्नका फिल हवा कसमन बिही व बिहुस्नेही व बहाएही। वो कहता है कि जो तुम लोग मुझको मोहब्बत से रोकने की कोशिश कर रहे हो, मैं अपने महबूब और महबूब के हुस्न और उसके जमाल की कसम खाता हूँ कि तुम्हारे इस मशवरे और तुम्हारे इस हुक्म में मैं तुम्हारी नाफरमानी करूंगा। तो ये तो एक चीज ये है कि मोहब्बत जो है इंसान का ये एक फितरी जज्बा है। इसको खैर किसी भी, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि समाजी प्रेशर से या कि मजहबी प्रेशर, किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से आप इसको दबा तो नहीं सकते। जो आपने मजाजी मोहब्बत की बात की, जी, 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 तो ये जज्बा उभर के सामने तो आ ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब बात ये आ जाती है कि क्या मोहब्बत दो बार हो सकती है, एक से जायद बार? अभी आज एक किताब मेरे मुताले में थी तो इत्तेफाक से एक जुमला उसमें मुझको मेरी नजर से गुजरा कि मोहब्बत जब एक शख्स से होती है और वो आपको छोड़कर चला जाता है, उसके बाद दूसरा आपको इश्क हो जाता है। क्या खूबसूरत। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मैंने किताब बंद करके साइड पर रख दी। अच्छा, मैं सोचने लगा कि इसमें कितनी गहराई है। जी, इसमें क्या डेप्थ है। मतलब एक मोहब्बत जिसमें हम नाकाम हो गए, अगला हमसे बेवफाई करके चला गया, फिर जो मिला और जिसने हमारे आंसू पोंछे, जिसने हमारे जख्म पे मरहम रखा, फिर उससे हमें इश्क होता है। यानी जो मोहब्बत की बिल्कुल आखिरी मंजिल है ना, हम वहां तक पहुंच जाते हैं उस शख्स के साथ जो हमारे जख्मों पे मरहम रखता है। तो मैं इम्कान ये देख रहा हूँ कि मोहब्बत दो बार तो हो सकती है बल्कि कई बार हो सकती है। इसमें इम्कान का पहलू ये होता है कि आपका डेडिकेशन कितना है, आपकी जो खुद सुपुर्दगी है वो कितनी है। अगर आपने अपना पूरा लगा दिया मोहब्बत में किसी शख्स के हवाले से, किसी शख्स के वास्ते से, और वो अगर आपको स्किप करके आगे बढ़ जाता है, तो लाजमी तौर पर जो आपको सहारा देने के लिए आएगा, आपको लाजमन ये महसूस होगा कि ये शख्स पहले वाले से ज्यादा आम और कीमती है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, उससे जो कल्बी ताल्लुक होगा वो पहले वाले से नहीं होगा, और अगर खुदा न खास्ता फिर इसके साथ वही हादसा हो गया तो आप थर्ड स्टेप पे भी जाएंगे। बिल्कुल। तो टोटली आप ये कह सकते हैं ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी बहुत गुफ्तगू बहुत ही तफसील के साथ आप हर चीज बयान कर रहे हैं, और हमें यकीन माने आपका लहजा, आपकी बातें बहुत हमारे सामईन को भी बहुत पसंद आ रही होंगी। एक तो आप हमारे मेहमान, और फिर वो उर्दू की जो एक पुराना लहजा हमारा होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है सुनने में, बहुत प्यारा हम फील करते हैं अपने मेहमानों के साथ।
तो आप हमें अब हमारे सामईन भी यकीनन मुंतजर होंगे कि आप हमें अपनी शायराना कलाम के मजमूए से कुछ सुनाएं। शायराना कलाम का मतलब कोई भी शायर, गजल जी, गजल कोई नज़्म, कोई भी आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी जी, मैं कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। एक मतला है, मुलाजा फरमाए कि हम वो मजबूर के हिजरत भी नहीं कर सकते, हम वो मजबूर के हिजरत भी नहीं कर सकते, यानी आजादी की चाहत भी नहीं कर सकते। हम वो मजबूर के हिजरत भी नहीं कर सकते यानी आजादी की चाहत भी नहीं कर सकते। और कातिलों ठहरो जरा, एक तो सजदा कर लूं, कातिलों ठहरो जरा, एक तो सजदा कर लूं, क्या जरा सी ये रियायत भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वाह, बहुत, क्या जरा सी ये रियायत भी नहीं कर सकते। और एक मतला और मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाए कि जी ये अलग बात की पेशानी पे बल आएगा, ये अलग बात की पेशानी पे बल आएगा, गौर करते रहो कुछ हल भी निकल आएगा, गौर करते रहो कुछ हल भी निकल जाए, निकल आएगा। और एक शेर देखे कि बीज भी डाल दे, बीज भी डाल दे, उम्मीदें समर भी तज दे, तज देना आप समझ रहे, स्किप करना छोड़ देना। जी, जी, जी। बीज भी डाल दे, उम्मीदें समर भी तज दे, जब तेरी नस्ल जमा होगी तो फल आएगा। बहुत बहुत बहुत। और एक रूमानी से बहुत बहुत शुक्रिया, एक रूमानी शेर है कि उम्र गुजरी है कभी बीज की लज्जत मिल जाए, उम्र गुजरी है कभी दीद की लज्जत मिल जाए, जाने कब मेरी निगाहों में वो पल आएगा, जाने कब मेरी निगाहों में वो पल आएगा। जी, और जी बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। एक मतला और देखें कि हयात क्या है, फकत एक नफस का किस्सा है, हयात हयात क्या है, फकत एक नफस का किस्सा है, हयात क्या है, फकत एक नफस का किस्सा है, कि इश्क विश्क भी बस पेशो पस का किस्सा है, कि इश्क विश्क भी बस पेशो पस का किस्सा है। और ये शेर देखें कि ये दर्द जबर ये कुल्फत ये दौरे महरूमी, ये दर्द जबर ये कुल्फत ये दौरे महरूमी, फकत कलाई में मौजूद नस का किस्सा है, फकत कलाई में मौजूद नस का किस्सा है। और तवील ख्वाब अमल की गिरानियां सब कुछ, तवील ख्वाब अमल की गिरानियां सब कुछ, जरूरतों का नहीं है हवस का किस्सा है, किस्सा है। वाह वाह, जरूरतों का नहीं है हवस का किस्सा है। और एक शेर और इस गजल का देख ले, बहुत नवाजिश, के सुलग उठे तेरे लब जल उठे तेरे रुखसार, सुलग उठे तेरे लब जल उठे तेरे रुखसार, ये बेनियाजी फकत एक मस का किस्सा है, सुलग उठे तेरे लब, सुलग उठे तेरे लब जल उठे तेरे रुखसार, ये बेनियाजी फकत एक मस का किस्सा है। और कुछ और पेश करें? जी जरूर जरूर, हमारी खुशकिस्मती, हमें बहुत मजा आ रहा है, बहुत महसूस हो रहे हैं हम सब, बहुत नवाजिश। एक मतला यूं है कि आंखों में एक विशाल का वादा लिए हुए, आंखों में एक विशाल का वादा लिए हुए, आधे को छोड़ बैठा मैं आधा लिए हुए, आधे को छोड़ बैठा मैं आधा लिए हुए, और कल शाम उठ गए थे कदम दश्त की तरफ, कल शाम उठ गए थे कदम दश्त की तरफ, खुद की तबाहियों का इरादा लिए हुए, खुद की तबाहियों का इरादा लिए हुए,
उसने निगाहे, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, कि उसने निगाहे नाज को तिश्ना रखा यही, उसने निगाहे नाज को